नमस्कार दोस्तों, कोटडा टाइम्स डॉट कॉम में आप सभी का स्वागत है। फिलहाल मैं खेरोज में हूं और जहां पर आदिवासी सम्मेलन चल रहा था और झारखंड से महिला आदिवासी पत्रकार बरखा लकड़ा आए थे। आइए उनसे हम बातचीत करते हैं, यहां आकर उन्हें कैसा लगा। सबसे पहले आपका हमारी चैनल की ओर से बहुत बहुत स्वागत है यहां इस खेरोज के महासम्मेलन में, और कैसा लग रहा है यहां पर आकर आपको? बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं खेड़ ब्रह्मा के सभी आदिवासियों को, भाई बहनों को, मुझे एहसास नहीं हुआ कि मैं दूसरे राज्य में आई हूँ। मुझे लगा कि मैं एक आंगन से निकल करके दूसरे आंगन में आई हूँ। जैसे होता है ना कि एक आपके घर के बगल में चाचा का घर है, तो मुझे लगा कि मैं एक आंगन से निकल करके दूसरे आंगन में आई हूँ। मुझे इतना प्यार, इतना सम्मान, सिर्फ गुजरात की बात नहीं, मैं जहाँ भी जाती हूँ, मेरे आदिवासी, चाहे महाराष्ट्र हो, मध्य प्रदेश हो, हर जगह ऐसा ही सम्मान मिलता है। मैं काफ़ी खुशकिस्मत हूँ कि मैं यहाँ आई। बरखा जी, जैसे कि मैंने कई आपके आर्टिकल पढ़े हैं एंड काफ़ी जोश आपके आर्टिकल में भी होता है, एंड मैंने आपके बारे में ज़्यादा तो नहीं, लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आप में वो जागरूकता कैसे आई कि आप आदिवासी समाज के लिए लड़ने के लिए तैयार हो गए कि नहीं, मुझे भी लड़ना है हमारे समाज के लिए। बहुत बड़ा क्वेश्चन है और बहुत सटीक क्वेश्चन है, बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि मैं इसका शायद मैं अपने वक्तव्य में नहीं दे पाई जी। आज क्या है ना भाई साहब, मैं ये बोलना चाहती हूँ, क्योंकि आज जो शहर और गांव की जो बीच की जो संस्कृति है और जो संस्कार है, उसमें जमीन आसमान का अंतर है। गांव के लोग आपको दिल खोल के हंसते हैं, लेकिन अगर शहर के लोगों को हंसना है तो लगता है कि वो हंसी भी कर्ज में लेकर के हंस रहे हैं। तो वो एक अलग सा उन लोगों का कल्चर है, ऐसा नहीं लगता है कि वो लोग आदिवासी है। लेकिन अगर आप गाँव में जाइएगा तो आप जैसे गाँव में आप ऐसे कदम रखिएगा, उसकी मिट्टी, उसके पेड़ पौधे, गाय भैंस बच्चे, हर चीज में आपको संस्कृति नजर आएगी। तो मैं यही मानती हूँ कि एक्चुअल में अगर हमारे गांव के लोगों को गंवार बोलते हैं, लेकिन अगर सही मायने में देखा तो गांव के लोग ही अपनी संस्कृति भाषा को बचा के रखें। शहर में तो क्या है ना, दिखावापन है, जो कहते हैं ना कि झूठा दिखावापन, कि आज हम शहरी हो गए, खुद को आदिवासी कहलाने में गर्व महसूस नहीं करते, और लोग छुपाते हैं अपनी आइडेंटिटी, लेकिन उनको पता नहीं है कि आदिवासी कौन। आदिवासी पृथ्वी का सबसे श्रेष्ठ संस्कृति का वो व्यक्ति है। जिस दिन लोग जान जाएंगे कि हम सबसे उन्नत संस्कृति के बच्चे हैं, तब उनको आदिवासी कहलाने में शर्म महसूस नहीं होगा। और आपको कौन सी बात लड़ने के लिए प्रेरित करती है? मुझे देखिए, ओवरऑल तो देखिए, विकास के नाम पे देखिए, हर कोई चाहता है कि हमारा विकास हो, हर आदिवासी भी चाहता है, गैर आदिवासी भी चाहता है, लेकिन विकास का आधार क्या होना चाहिए? हम लोगों ने दिल खोल करके जमीन दी, इसकी जो आंसू है, उसकी चीख, आज हमारी जो धरती में जो रक्त से सना हुआ धरती की जो चीख है, वही मुझे ले आता है। क्योंकि जिस धरती ने हमारे सारे चीज़ों को रखा, हमारे बेटी को एक जगह दी, आज वो बेटी वही धरती में जहाँ पे सजो कर रखा था, वही धरती में आज उसकी अस्मिता लूट रही है, उसकी चीख ने मुझे यहाँ पे लेकर के आया जी। और अभी आपको कोटडा टाइम्स डॉट कॉम चैनल के जरिए बहुत सारे लोग सुन रहे हैं, उन्हें आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं यही मैसेज देना चाहती हूँ कि देखिए, मैं उम्र में भी ज़्यादा बड़ी नहीं हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं तजुर्बा और हमारा जो समाज के प्रति जो शोषण है, कि मानते हैं कि आदिवासी को जाति के नाम पे शोषण करता है, लेकिन आदिवासी की बेटी अच्छी लगती है, आदिवासी की जमीन अच्छी लगती है, आदिवासी का सर्टिफिकेट अच्छा लगता है, लेकिन आदिवासी आपको अच्छा नहीं लगता है। लेकिन हम यही आपको, सामने वाले को यही एक मैसेज देना चाहते हैं कि आदिवासी वो एक सशक्त समुदाय का है, कि अब और रोटी बेटी और जमीन की लड़ाई के लिए वो एक मैदान में खड़ा हुआ और एक साथ खड़े हो गया है। अब हमारी ताकत आपको भविष्य में दिखेगी, जमीन से लेकर के आपको संसद तक हमारी ताकत दिखेगी जी। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। थैंक यू।